हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? फिट फाट हैं? मज़े में हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। आज का जो क्वाइन है वो भी बड़ा मज़े का होने वाला है। 2004 का, 2004, 1383, 1383 अकॉर्डिंग टू पर्शियन कैलेंडर। पर्शियन कैलेंडर के हिसाब से जो है वो 1383 है, और जो है इंग्लिश कैलेंडर उसके हिसाब से जो है वो 2004 है। डिजाइन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं। अफगानिस्तान है जो कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, और जो करेंसी है वो है सेकंड अफगानी। एक जो पहले एक कॉइन, जो ओल्ड कॉइन था 1951 का आई थिंक, जो हमने लास्ट टाइम जो रिव्यू किया था, वो थी करेंसी फर्स्ट अफगानी। और ये जो है ये है सेकंड अफगानी। जो वैल्यू है वो है जी 5 अफगानी, 5 अफगानीज, 5 अफगानी, जो 16 रुपये, 15-16 रुपये जो है पाकिस्तानी जो बनते हैं। 5 अफगानी की जो वैल्यू है, जो वर्थ है। तो चलें डिज़ाइन की तरफ चलते हैं जी, बात करते हैं क्या देखने को मिलता है। सिंपल है, सर्कल रीडेड नहीं है, ये आप देख रहे हैं, ये देखें सिंपल है। फाइव पांच जो है वो बड़ा सा जो लेटर है, ये जो लेटर है इस दफा पर्शियन अरेबिक जो है मिक्स, मिलती जुलती होती है। जो अरेबिक होती है, उर्दू होती है और पर्शियन, कुछ आपस में जो वो मिलती जुलती होती हैं जुबानें जो है, लैंग्वेजेस लिखने में। तो इसकी जो न्यूमेरिकल है 5 5 बड़ा सारा इंग्रेव किया है, ये देखें बड़ा अच्छा क्लियर जबरदस्त इंग्रेव है, बड़ा है, ये देखें काफी बड़ा जो इंग्रेव किया गया है। नीचे लिखा हुआ है जी, ये देखें पंजा अफगानी। थोड़ा सा इसको ब्लर है तो इसको क्लियर करते हैं। पन्हा 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 अफगानी, नीचे डेट है 1383। देखिए नीचे जो है ये डेट है 1383। सिंपल डिज़ाइन है, जस्ट लेटरिंग ही है इस साइड पे, एक साइड पे, और कुछ भी हमें जो खास देखने को नहीं मिल रहा। देखिए पन्हा अफगानी 1383, ऊपर द अफगानिस्तान बैंक, द अफगानिस्तान बैंक, जैसे कि हम जिसे हम कहते हैं बैंक ऑफ अफगानिस्तान, तो अफगानी में है द अफगानिस्तान बैंक। तो कुछ यूं करके जो है इसकी इन्होंने लिखी हुई है, जो ट्रांसलेशन बनती है द बैंक ऑफ अफगानिस्तान। नीचे 5 और 5 अफगानिस जो है वो इंग्लिश में बनते हैं, और उसके नीचे डेट है। साइड डेट बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि पहले मैंने आपसे बताया, आपसे शेयर किया। तो अब दूसरी साइड पर चलते हैं जी, देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। ये देखें जी, बड़ा जबरदस्त सा जो एम्बलम स्टैम्प लोगो जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, जिसे कोट ऑफ आर्म्स ऑफ अफगानिस्तान भी कहते हैं। ये वाला जो स्टैम्प है कोट ऑफ आर्म्स का, अफगानियों का, अफगानिस्तान का, ये जो है जी असल में अडॉप्ट किया गया है 2002 में। जो फर्स्ट करेंसी थी उसका जो था, फर्स्ट अफगानी करेंसी जो थी उसका एम्ब्लेम थोड़ा सा डिफरेंट था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट था। बट इस दफ़ा जो है जी इसको जो है वो उन्होंने 2002 में अडॉप्ट किया, चेंज किया।
अफगान फ्लैग्स हैं जी, ये देखें ग्रेविंग में देखने को मिल रहे हैं। एक मॉस्क है, अफगानी मॉस्क, बड़ी ज़बरदस्ती है, जिसके अंदर ये दरवाज़ा सा है, कुछ रग्स मैट बिछाए गए हैं नमाज के लिए, और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो लुक, एक पावरफुल जो लुक है वो दे रहा है, बड़ा खूबसूरत लगा है। और ये देखें जी, स्प्रिग वेथ जो है, एक फूलों का एक झुंड, एक बड़ा ज़बरदस्त था, ये जो समर में, जो समर के बाद या आप कह रहे हैं पतझड़ में जो पत्ते आते हैं, या नए पत्तों का एक जो झुंड है ऐसे गुलाई में गोल सा, वो जो है वो इंग्रेव किया गया है। उसके नीचे ये देखें जी, डेट है, ये डेट जो है वो बनती है 1298, 1298, 1298। और साथ एक टेक्स्ट जो है वो हाशीन जो है वो इंग्रेव किया गया है, देखिए थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए हा और शीन, ये देखिए शायद आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए ये देखिए, ये काशीन एनो हैगिरे, इसका कोई मीनिंग बनता है आशीन का। और नीचे ये देखें जी, अफगानिस्तान, देखिए डेट और साथ ये हाशीन, और नीचे ये अफगानिस्तान जो है वो पूरा था, इसको ये देखिए अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान नीचे एक लिखा गया है। अच्छा जी, ये जो पूरा एम्बलम है, एक बड़ा जो पावरफुल था, बड़ा ज़बरदस्त था, जो व्यू दे रहा है, लुक दे रहा है, ये असल में एक स्टैम्प है, स्टैम्प टाइप सा, जो कि यूज सेकंड में, जो सेकंड अफगानी में यूज़ की गई है। तो एक बड़ा मज़ेदार और एक ज़बरदस्त जो पावरफुल मुझे तो ये डिज़ाइन जो है वो लगा। अच्छा जी, और जो लास्ट में हम वो बात करते होते हैं, इसकी साइड जो है वो देखें थोड़ी थोड़ी रीडेड है, ये देखें देख थोड़ी थोड़ी रीडेड है जी, बिल्कुल प्लेन नहीं है। हालांकि जो फ्रंट पे और बैक पे जो डिज़ाइन था वो प्लेन था, ये देखें सिर्फ जो साइड्स जो है वो रीडेड नहीं थी, पर जो सेंटर जो है, सेंटर वाली साइड जो है वो रीडिड है, वो बिल्कुल सिंपल नहीं थी। तो ये था जी हमारा आज का ब्यूटीफुल एंटीक ओल्ड क्वाइन, ज़्यादा ओल्ड नहीं था फिर भी, 2004, 1383 अकॉर्डिंग टू पर्शियन कैलेंडर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वाइन भी पसंद आया होगा, स्पेशली जो क्वाइन लवर्स हैं उनको हमारे क्वाइन जरूर पसंद आते होंगे। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, ताकि इस तरह के और जो डिफरेंट कॉइन्स हैं, एंटीक डिज़ाइंस हैं जिनके, वो हम आपके लिए लाते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।